वेलकम टू फ्रेंड्स। तो हम आ चुके हैं नई वीडियो लेकर। चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो। तो आज हम हमारे टाउन हॉल 10 पे आ चुके हैं न्यू वीडियो लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हमारा एक बिल्डर खाली है, तो इसको हमें वर्क पे लगाना है। हमारे किंग को लगाया था हमने लास्ट वीडियो में अपग्रेड पे। आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो आई बटन में आ जाओगे, जाके देख सकते हो। प्लेन वो लीग भी स्टार्ट होने वाले, प्लेन गेम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पर ट्रेडर में हमें कुछ मिल नहीं रहा है काम का, तो अभी हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपग्रेड करने वाले हैं आज हमारे स्पेल फैक्ट्री, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसको हमें अपग्रेड करना है शॉप में। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मेडल हैं, तो यहाँ से हम हेमरो बिल्डिंग ले लेंगे 120 मेडल्स में। यहाँ पर हमारी हेमरो बिल्डिंग को ले लेते हैं फटाफट से। कूल डाउन खत्म हो चुका है तो ये ले लिया हमने यहाँ पर। तो इसको हम अपग्रेड करेंगे आज स्पेल फैक्ट्री को, जो इम्पोर्टेंट हमारा अपग्रेड है। इसको हम ऐसे नहीं लगा सकते थे, जैसे कि टाइम पे नहीं लगा सकते थे, मतलब बिना किसी मैजिक आइटम के। तो हमको आज मिल चुकी है हमारी हेमरो बिल्डिंग मिल चुका है, तो यहाँ पर हम अपग्रेड करेंगे इसको। तो इस पहले हमारे सारे हमें लाइन से जमाए हुए, क्योंकि दो और स्पेस बढ़ जाएगी हमारी तो बाकी की आर्मी हमारी बिगड़े ना, उसलिए हमने देख ली। यहाँ पर स्पेल फैक्ट्री वो कर देते हैं, हमारा क्लोन स्पेल अनलॉक हो जाएगा और दो की स्पेस और बढ़ जाएगी। तो करते हैं इसको हम अपग्रेड। तो ये इंपॉर्टेंट अपग्रेड हो चुका है और हमारी स्पेल फैक्ट्री भी मैक्स हो चुकी है। तो अभी इन दोनों स्पेल फैक्ट्री को हमें अपग्रेड नहीं करना है। यहाँ पर स्पेल को डाल देते हैं हम कुक पे नेक्स्ट आर्मी के लिए। तो तीन रेज स्पेल, दो जंप स्पेल और एक फ्रीज स्पेल हो चुका है अभी हमारे पास। इतनी स्पेस ही हमारे पास 11 स्पेल की। तो इसको रखते हैं ऊपर की साइड में, यहाँ पर मैक्स हो चुका है हमारा ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। तो इतनी हमारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मैक्स हो चुकी है और एक अपग्रेड पे चल रही है हमारा बेरेक, डार्क बेरेक। तो अभी इस वीडियो में हमारे किंग को भी हम अपग्रेड पे लगाएंगे। लेवल 26 का किंग हो चुका है, लेवल 27 का करना है। तो अभी हमारी आर्मी फुल रेडी है, तो हमें अटैक पे चलना चाहिए। तो जैसे अच्छा सा बेस मिलता है आते हैं वापस। A few minutes later. तो गाइस ये बेस मिला है, अच्छी लूट है देख सकते हो आप, और डार्क एलिक्सर भी अच्छा है। पर एलिक्सर हमें ज़रूरत है क्योंकि 10 घंटे में हमारा एक बिल्डर और फ्री हो जाएगा, तो हमारे आर्मी कैंप को लगाना पड़ेगा नेक्स्ट आर्मी कैंप को अपग्रेड पे। तो यहाँ से हम अटैक करने वाले इस साइड में। दो डिफेंस अपग्रेड पे चल रहे हैं, दो कैनन अपग्रेड पे चल रहे हैं यहाँ पर। तो वॉल ब्रेक करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर वॉल ब्रेकर को। तो हमारी क्वीन वो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर पीछे हीलर और एक आर्मी कैंप पे विजार्ड ड्रॉप कर दे, जिससे आर्मी कैंप डाउन हो जाएगा, तो हमारी क्वीन नीचे की साइड में ना आए। तो ये आर्मी कैंप डाउन हो चुका है। यहाँ पर वॉल ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, टेस्टिंग वॉल ब्रेकर। तो पीछे सारे वॉल ब्रेकर ड्रॉप करने पड़ेंगे अभी। तो एक और एक वॉल ब्रेकर बाकी रखेंगे अभी। तो यहाँ पर एक बेबी ड्रैगन ड्रॉप किया, जिससे यहाँ पर हमारे पीका को ड्रॉप करेंगे, पीका अंदर चल जाएंगे सारे। और ये एक और बेबी ड्रैगन। तो क्वीन को तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली, यहाँ पर तीन तीन रेज स्पेल है, तो क्वीन की एबिलिटी तो हमें अभी तक बचानी है, लास्ट मोमेंट तक हमें बचानी है हमारी क्वीन की एबिलिटी। तो एनिमी किंग भी डाउन कर लेगा हमारा बेबी ड्रैगन, तो ये अच्छी बात है, जो हमारी क्वीन को प्रॉब्लम दे सकते हैं वहाँ पर रेज स्पेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एक रेज स्पेल ड्रॉप करना पड़ेगा, हमारा एक हिलर भी डाउन हो गया, फ्रीज किया हमने यहाँ पर। तो इन्फिनो डाउन हो चुका है, मल्टीपल इन्फिनो। तो एक होक भी ड्रॉप कर दिया, जिससे क्वीन को थोड़ी हेल्प मिल जाए, क्योंकि डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, और हमारे हीलर को भी हील नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं सही से। तो यहाँ पर हमारे सारे पीका ड्रॉप कर देंगे, पीछे से किंग ड्रॉप करेंगे। किंग ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, पहला जंप स्पेल ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, जिससे तीनों कंपार्टमेंट ओपन हो चुके हैं यहाँ पर। एक वॉल ब्रेकर था, इसको भी ड्रॉप कर दिया। क्वीन वॉल ब्रेक करके अंदर चली गई है, दो रेज स्पेल अभी भी बाकी है हमारे पास। एक बेबी ड्रैगन था, उसको भी ड्रॉप कर दिया, जिससे हमारे पिका इस साइड में ना आए। और कुछ विजार्ड थे वो बाहर के साइड में ड्रॉप कर दिए, जिससे बाहर की बिल्डिंग्स फटाफट क्लियर हो जाए। यहाँ पर एक और जंप स्पेल ड्रॉप करेंगे हम, जिससे बचे हुए कंपार्टमेंट भी ओपन हो जाए। तो एक जंप, एक रेज स्पेल यूज़ किया यहाँ पर हमने। किंग की एबिलिटी अभी भी बाकी है और एक बेबी ड्रैगन भी बाकी है हमारा। तो टाइम बहुत कम बचा है, तो शायद टाइम फेल हो चुका हो सकता है शायद। तो एक रेज स्पेल बाकी है, जिसको हमारी क्वीन पर ड्रॉप कर देते, जिससे फटाफट वॉल ब्रेक करके अंदर आ जाए हमारी क्वीन। यहाँ पर जब हमारा फ्रीज नहीं, रेज स्पेल ड्रॉप करेंगे हम। क्वीन की एबिलिटी अभी भी बाकी है, तो मुझे नहीं लगता यूज़ करने की ज़रूरत है, पर बाद में हम
कर लेंगे यूज। सीसी हमने यूज नहीं किए यहाँ पर, विदाउट सीसी हमने अटैक किया है। हमारे पास थी सीसी में भी ट्रूप थी और वॉल ब्रेकर भी था, पर यूज हमने किया नहीं यहाँ पर। और डिफेंस भी बहुत सारे अपग्रेड पे थे। हमारी क्वीन की एबिलिटी यूज कर ली, तो लूट हमने सारी निकाल ली है, पर थोड़ी बहुत लूट रह गई, पर कोई बात नहीं। तो चलते हैं हमारे बेस पे फटाफट से। तो अभी हमारा एक बिल्डर और ये खाली है, तो इसको हमें अपग्रेड पे लगाना है, वर्क पे लगाना है हमारे बिल्डर को। तो हमारे किंग को लगाएंगे हम लेवल 27 के लिए। हमारी क्वीन तो 27 की है, हमारे किंग को भी 27 का कर देंगे हम फटाफट से। तो किंग को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड पर रखेंगे और क्वीन को हमारे मैजिक आइटम से ही करेंगे, क्योंकि क्वीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे किंग लगा दिया अपग्रेड पे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में हमारे पास कुछ करने का वर्क है नहीं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और आपको हमारी वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं आप नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए।